हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है वेज हक्का नूडल्स। ये जो हक्का नूडल्स की रेसिपी आज मैं शेयर करूँगी वो एकदम इजी एंड क्विक है और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने नूडल्स ले लिए है। ये मेरे जो गेहूं के मिलते हैं बाहर व्हीट के, वो वाले नूडल्स हैं। आपके पास जो हो वो आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि यहीं लेना है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया है और उसके अंदर यहाँ पे मैंने डाला है 1 टेबलस्पून जितना नमक और 1 टेबलस्पून जितना ऑयल, जिससे कि हमारे नूडल्स चिपके नहीं। पानी हमारा अच्छी तरह से ऐसे बॉईल होने लगे उसके बाद ही हमें उसके अंदर नूडल्स ऐड करने हैं। पहले हम ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो नूडल्स हमारे चिपक जाएंगे। मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे नूडल्स को बीच में से ब्रेक कर दिया है क्योंकि वो ज़्यादा लंबे थे। अगर आपके अलग हो तो आप पूरा का पूरा जो बंच रहता है वो भी डाल सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे पानी हमारा एकदम बॉईल होने लगे उसे थोड़ी देर के लिए हम ढक के पकने देंगे। ये जो नूडल्स है उसे हमें ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, उसे 90% जितना ही करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे जो नूडल्स है वो अभी रेडी होने की तैयारी में है। अगर आपने मैदे के नूडल्स लिए होंगे तो वो थोड़ा इजीली जल्दी से बॉईल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे नूडल्स परफेक्टली एकदम अभी रेडी हो गए हैं। तो अब हम इसे एक छन्नी में निकाल के अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देंगे ताकि जो हमारा नूडल्स है उसके अंदर की सारी जो भाप है वो निकल जाए और वो एकदम परफेक्ट रेडी हो। ये प्रोसेस करने से क्या होगा कि हमारे ये जो नूडल्स है वो बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। आप देख सकते हैं कि हमारे नूडल्स कितने अच्छे रेडी हुए हैं। हक्का नूडल्स के लिए हम जो वेजिटेबल्स ले लेंगे उसे हमें ऐसी लंबी लंबी पतली पतली जूलियंस में कट करना है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है शिमला मिर्च, गाजर, प्याज और कैबेज लिया है और स्प्रिंग ऑनियन का जो पिछले वाला हरे वाला हिस्सा रहता है उसे मैंने एकदम बारीक चॉप कर लिया है। ये सारे जो वेजिटेबल्स है उसकी क्वांटिटी आप जितनी रखनी हो उतनी रख सकते हैं, लेकिन हमें वेजिटेबल्स हमारे नूडल्स में एकदम अच्छी तरह से दिखने चाहिए उतनी लेनी है। मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1/2 कप से थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में सारे वेजिटेबल्स को ऐसे लंबी लंबी जूलियंस में कट कर दिया है और स्प्रिंग ऑनियन का पीछे वाला जो हिस्सा है उसे एकदम बारीक चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने बारीक कट किया हुआ लहसुन ले लिया है और 1 टेबलस्पून जितना मैंने बारीक ग्रेट किया हुआ अदरक ले लिया है। यहाँ पे हम एक कढ़ाई के अंदर 3 टेबलस्पून जितना तेल ले लेंगे। तेल यहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं लेना है, 3 बड़े चम्मच जितना सफिशियंट हो जाएगा। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाए तो उसके अंदर हम ऐड करेंगे बारीक कट किया हुआ लहसुन एंड ग्रेट किया हुआ अदरक। यहाँ पे आप लहसुन और अदरक की पेस्ट का यूज़ करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अदरक और लहसुन जैसे ही हमारे भून जाए तुरंत उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। प्याज ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे गाजर, पत्ता गोभी एंड कैप्सिकम। ये सारी वेजिटेबल्स अब हमें एकदम फुल फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेने हैं। ये प्रोसेस हमें एकदम फुल फ्लेम पे करनी है, गैस की आँच को हमें धीमा नहीं रखना है यहाँ पे। और ये वेजिटेबल्स को हमें बिल्कुल भी कुक नहीं करना है, थोड़ा ही हमें भूनना है ताकि उसका कलर और टेक्सचर एकदम परफेक्ट रहे नूडल्स में। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून जितना रेड चिली सॉस। रेड चिली सॉस ऐड करने के तुरंत बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जितना ग्रीन चिली सॉस। ये सारे जो चाइनीज सॉसेस रहते हैं वो मार्केट में ईजीली अवेलेबल है। और यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून जितना सोया सॉस। और लास्ट में अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर, यानी कि काली मिर्च का पाउडर। ये सोसिस और काली मिर्च के पाउडर की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से जैसा तीखा पसंद हो ऐसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा इसके अंदर नमक। नमक हमने नूडल्स बॉईल करने के वक्त अंदर डाला हुआ था तो यहाँ पर हम वेजिटेबल्स के हिसाब से ही डालेंगे। अब हम इसके अंदर जो हमने नूडल्स बॉईल करके रखे हुए थे वो ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि नूडल्स हमारे कितने अच्छे यहाँ पे दिख रहे हैं, बिल्कुल स्टिक नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे अब हम नूडल्स और वेजिटेबल्स को एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितना विनेगर और बारीक चॉप किए हुए स्प्रिंग ऑनियंस। स्प्रिंग ऑनियंस हमें पहले से ही इसके अंदर नहीं डालने हैं
क्योंकि उसका कलर भी चेंज हो जाएगा और स्प्रिंग ऑनियंस को पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे हमारे हक्का नूडल्स एकदम परफेक्टली अभी रेडी है। तो इसे 5 मिनट तक हमें ऐसे अच्छी तरह से उसे भूनना है और गैस की फ्लेम हमें यहाँ पे भी मीडियम ही रखना है, ज़्यादा एकदम स्लो नहीं रखना है और सारी प्रोसेस ऐसे ही हमें करनी है। अगर आपको थोड़े से डार्क कलर के पसंद हो तो यहाँ पे सोया सॉस की क्वांटिटी भी आप थोड़ी सी ज़्यादा डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे हक्का नूडल्स रेडी हो गए हैं। अगर ये नूडल्स की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।